सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए, और ये आशा करता हूँ कि आपके माध्यम से यहाँ से हमारा जो संदेश है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। दुर्भाग्य से मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं चाह कर भी उन सब राजधानियों में जाऊं जहां मेरे जाने का मन था। इसीलिए आपके माध्यम से हम वहां के लोगों को भी संबोधित कर रहे हैं। इस मीडिया इंटरैक्शन के बाद हम आपको एक लिखित स्टेटमेंट देंगे जो हमारी ओर से मीडिया के लिए यहाँ गुवाहाटी से जारी हो रहा है। लेकिन अभी आपने सुना कि मुख्य रूप से MLAs, MPs और बाकी लोगों की जो बैठक हुई इस हॉल में, उसमें मैंने अपनी बात कही है, और मुख्य रूप से ये बात कही है कि ये चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, बहुत असाधारण परिस्थितियों में हो रहा है, और सबसे बड़ा सवाल जो आज देश के सामने है वो ये है कि क्या हम अपने संविधान की रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि संविधान के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है वो और किसी के द्वारा नहीं बल्कि सरकारी पक्ष और सरकार के द्वारा हो रहा है। इसीलिए बहुत कठिन परिस्थिति है, और इस कठिन परिस्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर हमारे जो कांग्रेस और अन्य दलों के साथियों ने अपना सपोर्ट हमको दिया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि देश की परिस्थिति को देखते हुए और संविधान की व्यवस्था को देखते हुए आज ये आवश्यक हो गया है कि हर MP और MLA अपने विवेक का उपयोग करें, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने, और उसको सुनते हुए, उसको मानते हुए अपने मत का प्रयोग करें। इस चुनाव में राजनैतिक दल कोई व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो वोट है, मतदान है, वो सीक्रेट है। तो सीक्रेट वोटिंग है लेकिन व्हिप नहीं है, और इसीलिए संविधान के निर्माताओं ने ये व्यवस्था की कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, MPs और MLAs हैं, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। आज मैं उसे स्पिरिट को यहाँ पर इन्वोक कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि जिन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन मुझे यहाँ पर व्यक्त करके दिया है, उसके अलावा बाकी जो लोग हैं इस राज्य में और नॉर्थ ईस्ट में, वो भी अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने मत का प्रयोग मेरे लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।